प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यू सी। ये है पार्ले जी का पैकेट। है कोई माइकल लाल जो इसको 5 के बजाय दुकानदार से 3 रुपए में खरीद ले जाए? चाहे रखा रहे, चाहे सड़ जाए, चाहे चूहे को तर जाए, लेकिन आप इस पार्ले जी के पैकेट को 5 रुपए से कम पर नहीं खरीद पाएंगे। इसको कहते हैं MRP, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये है भारत में धन्ना सेठों के लिए सुविधा। और इसी देश में किसान का आलू 5 रुपए किलो भी मिलेगा और 1 रुपए किलो भी मिलेगा। सरकार किसानों के लिए तय करती है MSP, यानी न्यूनतम, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार कहने को मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए घोषित करती है, लेकिन खुद भी किसानों से फसल नहीं खरीदती। किसान सरकारी दुकान पर ट्रॉली में लादकर गेहूं ले जाता है। अधिकारी कहता है बोरी नहीं है, कल आना। अगले दिन फिर जाता है, कहता है पल्लेदार नहीं है, कल आना। फिर कल जाता है तो अधिकारी कहता है कि गोदाम में जगह नहीं है, तो कल आना। किसान फिर कल जाता है, अधिकारी कहता है कि लोड करने वाला ट्रक नहीं आ पाया है, तुम ऐसा करना, कल आना। मतलब किसान को चग्गा बग्गा पढ़ाया जाता है, यानी किसान को पूरी तरह से टरकाया जाता रहता है। किसान आखिर में थक हार कर अपनी गेहूं से लदी ट्रॉली प्राइवेट मंडी में बेच देता है। अब देखिए, सरकारी दाम था 20 रुपए, किसान ने प्राइवेट लाला बनिया को बेचा 12 रुपए में, और जैसे ही किसान ने बेचा, MSP वाले सरकारी अधिकारी ने लाला से खरीद लिया 13 रुपए में। अधिकारी ने 7 रुपए प्रति किलो पर घपला कर दिया, यानी किसान से ना लेकर लेवी में या सरकारी गोदाम में व्यापारी से लेकर फसल भर ली जाती है। बैठे बिठाए लाखों पीट लिए जाते हैं और किसान बेचारा मुंह ताकता रह जाता है, क्योंकि जिस ट्रॉली पर वो गेहूं लाद कर लाया है वो किराए की भी हो सकती है और फिर अपनी भी हो, तो बार बार लेवी यानी SCI के गोदाम के चक्कर कैसे लगाए? उसको अगली फसल भी उगानी है। और इस तरह सरकारी MSP से किसानों को लूटा जाता है, अधिकारी माला माल हो जाते हैं। इस देश में MSP भ्रष्टाचार का वो दलदल है जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। मैं किसान की बेटी हूं, इसीलिए आपको बिल्कुल जमीनी चीज बता रही हूं। अच्छा, अब किसान और उद्योगपति में अंतर देखिए। पार्ले जी का प्राइस दुकानदार आपको बताता है 5 रुपए का है, लो या ना लो। किसान की फसल का दाम मंडी में खरीदने वाला तय करता है। वो किसान को ऑफर करता है, कहता है 5 रुपए दोगे, 50 रुपए का दोगे। बस यही कारण है किसानों की दुर्गति का। किसानों की फसल का रेट आप तय कर दीजिए। किसान का गेहूं 20 रुपए किलो बिकेगा, कोई कम पर खरीदेगा या ज्यादा पर बेचेगा तो जेल होगी। फिर देखिए किसानों की आय कैसे कैसे उनकी आमदनी दोगुनी हो जाती है। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत के किसानों को पता ही नहीं है कि इस बार धान 10 रुपए में बिकेगा या 20 रुपए में बिकेगा या फिर मंडी के बाहर फेंक कर वापस आना पड़ेगा। कृषि प्रधान देश में किसानों की छीछा लेदर है। आप पार्ले जी वाले को कहिए कि बिस्कुट बनाइए और मंडी में बेचिए, देखिए भाखड़ा होगा। इनके डीलर किसानों की तरह पेड़ों में लटके हुए मिलेंगे। अब बात उस कानून की भी कर लेते हैं जो किसानों के लिए बनाया गया है। 3 कानून बनाए गए हैं। पहला कानून है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। पहले यह होता था कि खाने पीने की कुछ जरूरी फसलें होती थी जिनकी जमाखोरी अपराध थी, कोई जमाखोरी करता था तो उसे जेल होती थी। अब नए कानून में सरकार कहती है आपदा और युद्ध को छोड़कर जितनी जमाखोरी, मतलब जितना भंडारण करना है करो। अब होगा ये कि किसान की तो छत टपकती है, वो तो छप्पर के नीचे रहता है, वो भंडारण तो कर नहीं सकता। और किसान को फसल के बाद चाहिए भैया पैसा, वो अगली फसल में लगाएगा, वो अगली फसल को उगाएगा, वो फसल को घर में रखकर करेगा क्या? अब बड़े बड़े उद्योगपति किसान से अनाज खरीद कर अपने गोदामों में भर लेंगे, बाजार में जब अनाज की शॉर्टेज हो जाएगी तब महंगा बेचेंगे। ये कानून यानी आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम सरकार ने किसको फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है वो आपको आगे कुछ दिनों में जब महंगाई बढ़ेगी तब पता चल जाएगा। इस कानून को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सरकार है, बहुतों को बनाया है। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मतलब अगर पार्ले जी कंपनी को बिस्किट बनाने के लिए गेहूं चाहिए तो पार्ले जी वाला 20-25 गांव के किसानों से गेहूं उगाने के लिए कहेगा। सारे किसान गेहूं उगाएंगे, पार्ले जी वाले को देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पार्ले जी वाली कंपनी फसल लगाते समय ही बता देगी कि गेहूं भैया लगाओ, 20 रुपए में हम खरीद लेंगे। अब किसानों को दिक्कत यह होगी कि अगर किसान प्राइवेट कंपनी से बॉन्ड भर लेगा और गेहूं के दाम 25 की जगह बाजार में भाव 40 पहुंच गए, तब किसानों
किसानों का घाटा हो जाएगा। अगर चार किसान गेहूं की जगह आलू उगाना चाहते हैं तब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यहां दिक्कत है, पेच भी यही फंसा है। सरकार जब MSP तय करती थी तो किसान के पास आजादी रहती थी कि वो FCI के गोदाम में सरकार को अनाज बेचे या फिर मंडी में बेचे या फिर किसी लाला बनिया को अपने लोकल खरीदार को दे दे। मान लीजिए सरकार ने MSP तय की 20 रुपए, मान लीजिए बाहर मंडी में बिक रहा है 30 रुपए में, तो किसान बाहर 30 रुपए में बेच लेता था। सरकारी MSP में किसान कभी सरकार को ही बेचने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बाध्य होगा प्राइवेट कंपनी को पहले से तय किए दाम में फसल बेचने के लिए, चाहे बाजार का भाव जो भी हो। कानून में कहीं भी MSP का जिक्र नहीं किया गया है, यानी जो प्राइवेट कंपनी पहले से दाम तय करके किसान से फसल खरीदेगी वही MSP होगी। हल्ला हंगामा इसीलिए है क्योंकि किसानों का कहना है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को आगे कर रही है, उनसे दाम लगवा रही है जिससे सरकार पतली गली पकड़कर निकल ले, क्योंकि BJP पहले से ही कह रही है कि MSP सरकार पर फालतू का बोझ है और ये सब कुछ MSP से पीछा छुड़ाने के लिए किया जा रहा है। तीसरे पर आते हैं। तीसरा है कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य कानून। यहां इस कानून में सरकार कहती है कि किसान मंडी के अलावा कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है। तो भैया सरकार जी, ये तो पहले से था, मेरा पका हुआ आम लखनऊ की दुबग्गा मंडी में बिकता है क्योंकि वो पास है और पके हुए आम को ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता, तो सबसे पहले उसे मंडी पहुंचाना होता है, तो दुबग्गा मंडी पास है इसलिए पका हुआ आम दुबग्गा मंडी में बिकता है। मेरा कच्चा दशहरी आम दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिकता है, ट्रक से लोड होकर जाता है, और देसी आम यानी जिस आम का अचार बनता है, जिसका सिरका बनता है, खटाई बनती है, वो आम दूसरे जिले की फरदपुर मंडी में बिकता है, और कुछ कटा फटा टूटा फूटा आम जो छोटे आम बाग से अड़तिया ले जाता है कहीं भी बेच सकते हो वाला कानून तो जुमला है। देखिए मेरी समझ से मैं अपने घर के व्यापार को जितना समझती हूँ वो आपको समझा दिया, जितना इस कानून के बारे में पढ़ा वो आपको बता दिया। सरकारी गोदामों में MSP घोषित होने के बाद किन किसानों की फसल आसानी से बिना बहानेबाजी के खरीद ली जाती है या नहीं खरीदी जाती है वो लोग कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।